मेरा नाम सीमा है और मैं जो पेशेंट है दीपू उनके मैं भाभी लगती हूँ। और मैं प्रभासर मारवाड़ हॉस्पिटल में काम करती हूँ। जब मैं घर में आई थी तो दीपू हमेशा चेस्ट की शिकायत करते रहते थे, भाभी जी मेरे यहाँ से दर्द कर रहा है, भाभी जी मुझे खांसता हूँ या मुझे सांस की चलता हूँ तो सांस की प्रॉब्लम होती है। विक्रम सर ने इको और कार्डियक MRI देख कर बोला था कि ये ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क है, इसमें हम कुछ भी गारंटी नहीं ले सकते कि आपका पेशेंट बच्चा बच जाएगा या नहीं बचेगा। तो एक बार आप घर वालों से बात कर लो, फिर बाद में डिसीजन लेना जो भी लेना है। बट मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये करोड़ों लोगों में से एक इंसान की होती है बीमारी, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि ये बच जाएगा। बहुत सारे हॉस्पिटलों में मैं ट्राई किया था कि कोई ऑपरेशन करे, तो सब डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, बहुत हाई रिस्क है। तो विक्रम सर ने हाँ भरी थी कि बट मैं इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता कि ये बच जाएगा। फिर फैमिली में डिस्कस किया था तो मेरे ससुर जी ने साफ मना कर दिया कि बोले मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा, सेवा कर लूँगा। बहुत सारे लोगों ने भी यही कहा था कि ऑपरेशन के बजाय तो आप लोग सेवा कर लो। किसी ने बोला आयुर्वेदिक दिलाओ तो उससे भी ठीक हो जाएगा। तो 15 दिनों तक आयुर्वेदिक ली तो उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, उल्टियाँ होने लग गई। तो 1.5 महीने तक फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने ससुर जी से बात की थी। मैंने उनको समझाया था कि कुछ हिस्सा ही उनका सही बचा है, बाकी पूरा गल चुका है, तो आयुर्वेद से ठीक नहीं होगा। अगर ऑपरेशन से ठीक होगा वरना ऐसे भी नहीं जी पाएंगे, बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, सांस की प्रॉब्लम होगी, कुछ खा पाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे तड़पते हुए आप देख सकते हो। गए तो बोले ऑपरेशन कराएंगे तो मर जाएगा, तो मैं वैसे तो उनकी सांस अच्छे से निकलेगी, ऐसे नहीं कि तड़पेंगे वो। फिर वापस यहाँ लेके आए थे, राम सर से बात हुई पहले, मेरे ससुर जी को उनसे मिलवाया था, उन्होंने कहा था पहले इको करके देखेंगे कि क्या कंडीशन है, 1.5 महीना हो चुका है तो पहले देखेंगे। फिर उन्होंने इको की, फ्री में की थी, हमारी मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं करवा सकते थे इतना। डॉक्टर की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे कुछ मरीज और कभी कभी ऐसे कुछ वाकयात आ जाते हैं जो उसको ता जिंदगी याद रहते हैं। ऐसा ही कुछ एक वाकया और ऐसा ही एक कोई मरीज पिछले विगत कुछ दिनों पहले ही हमारे पास आया। उससे बात करते समय मैं उसकी जांचों को अध्ययन कर रहा था और उसकी जांचों के अध्ययन करने पे मुझे पता चला कि यह तो एक अत्यंत दुर्लभ और विकृत बीमारी से ग्रसित मरीज है। मरीज की उम्र जिसकी केवल 20 साल है और जिसका नाम दीपू है, उसको एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज जिसे हम सब माइट्रल एनिरिज्म विथ सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन विथ सीवियर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन प्लस सीवियर एल्वी डिसफंक्शन कहते हैं मेडिकल की भाषा में, उससे मरीज प्रभावित था, ग्रसित था। इसका डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल है जैसा कि हम समझ सकते हैं, क्योंकि अमूमन यह बीमारी नहीं पाई जाती। तो कई जगह पे सामान्य जाँच इकोकार्डियोग्राफी जो हमारे हृदय की जांच के लिए एक प्रमुख जांच है, करने के बावजूद भी जब ये जांच में रिजल्ट नहीं आया, इसकी बीमारी के बारे में पता नहीं चला, तो किसी अन्य डॉक्टर ने दीपू की कार्डियक MRI कराई और कार्डियक MRI से साबित हुआ कि दीपू को ये अमुक बीमारी जिसमें मेनली सब माइटल एन्यूरिज्म है वो है। इन बीमारियों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये इतने रेयर डिजीज़ हैं कि हमारा पास कोई बैकग्राउंड इस तरीके का लंबे चौड़ा नहीं होता जिसके चलते हम उसको पढ़ के या उससे नॉलेज लेके ये ऑपरेशन को सुगमता से कर सके, क्योंकि बहुत ही कम केसेस रिपोर्टेड हैं दुनिया भर में। फिर भी आई वॉज़ लकी कि मैंने इस तरीके के एक या दो केस अपने कैरियर में पहले देख रखे थे, तो मुझे आत्मविश्वास था, मुझे अंदाज़ा था कि जिस तरीके की मेडिकल इक्विपमेंट और सब इंफ्रास्ट्रक्चर मेरी यूनिट में है यहाँ,
उसके चलते हम इसको एक सफलतापूर्वक अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं। काफ़ी सारी समझाइशों के बाद हमें पता चला कि मरीज की को जो सब समझाने वाली या संभालने वाली एक भाभी हैं और जो इस पूरे मरीज की यात्रा में उसके साथ रही हैं, उन्होंने हमें कैटेगोरिकली कहा कि डॉक्टर साहब, चाहे मरीज बचे या ना बचे, मैं इसकी इस अवस्था में अब और ज़्यादा तड़प नहीं देख सकती, क्योंकि मैं इसको रोज़ तिल तिल के मरते हुए अपनी आँखों से देख रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं जब सोती हूँ या जब ये सोता है, तो मुझे हमें नहीं लगता कि ये कल जग पाएगा कि नहीं जग पाएगा। ऑपरेशन के दौरान जैसे कि हमने प्रिडिक्ट किया था, हमें कई तरीके के चैलेंजेस आए। ये सब माइटल एनिरिज्म में हार्ट बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसमें हार्ट फूल के बिल्कुल उसके फंक्शंस 15-20% से भी कम रह जाते हैं। साथ में उसके दोनों वॉल भी ख़राब थे। हमको जो साइंटिफिकली हमने एनिरिज्म को रिपेयर किया, माइटल वॉल को बदला और ट्राइकस्टिड वॉल को रिपेयर किया, इन सब करने के बाद हम ऑफ बाईपास या हार्ट लंग मशीन से बाहर वापस आ पाए और हमने मरीज को आईसीयू में ले जाने में सफलता प्राप्त की। और आज विद द ग्रेस ऑफ गॉड दीपू बिल्कुल ठीक है और घर जाने की पूर्ण तैयारी में है, और हम इस बात का बहुत बहुत परमपिता को धन्यवाद देते हैं कि दीपू की ज़िंदगी उन्होंने प्रदान की। और दीपू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उसके उज्जवल और अच्छे जीवन के लिए।